किसान भाइयों, ये मेरा गेहूं की जो जैविक खेती है बंसी गेहूं की, उसका भाग दो है। और ये मैं अब इसमें मैंने 2 किलो, ये मेरा 2.25 बीघे का खेत है और इसमें मैंने 2 किलो ये काली चक्र देखिए मेटारिजियम एनेसेपोली मिलाया है, जिसका CFU 1:10^8 ग्राम। और ये मैंने इसमें एक 200 लीटर के ड्रम में घोल दिया और इसमें मैंने 2 लीटर ये लिक्विड कंसोर्सिया जो इफ्को का है ये डाला है। और ये जो कंटिन्यूस पाइप चल रहा है ये वेंचुरे से उठा रहा हूँ मैं, देखिए ये जा रहा है। और ये मैंने जो मेरा बेस्ट डिकम्पोजर है ये आ रहा है इसमें, ये देखिए पाइप के ज़रिए मेरे जो सेटअप से है ये देखिए ये। तो आज मैं पर्टिकुलरली गेहूँ की सिंचाई के लिए आया था तो यहाँ से खोल दिया है और ये कंटिन्यूस इसमें चलता रहेगा। इसको मैंने जो मेरा खेत है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आइए चलते हैं। ये जो ड्रिप से पानी जा रहा है, ये फ्लड कहाँ पर बन रहा है, ड्रिप कहाँ पर है, ये मैं दिखाता हूँ, आइए चलते हैं। मेरी खेती का भाग दो, इसमें आप देखिए ये जो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये लगभग 1 क्विंटल गोबर जो कल रात का और आज सुबह का था जानवरों का, उसमें ये करीब 20 लीटर हमने उनका पेशाब मिलाया और उसे इस प्रकार बना लिया। इसके बाद हमने इसको इस तरह से घोलते हैं, ये देखिए इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और अब धीरे 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 इसको ऐसे छोड़ते रहते हैं और इस पानी में वेंचुरी से 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला है मेटारिजियम एनेसेपोली जो काली चक्र के नाम से है IPL कंपनी का, और दूसरा है लिक्विड कंसोर्सिया यानी BioNPK, और तीसरा है बेस्ट कंपोस्ट का घोल जो बना हुआ। तो इसकी हमने इसमें ढेंचा और उड़द थे जो हमने बुहाई की इसकी, और बुहाई करके हमने फिर पानी दिया था इसमें, तब भी हमने ये गोबर इस तरह से डाला था। और अब इसकी बुआई से पूर्व की सिंचाई कर रहे हैं, ये है भाग दो। तो इस प्रकार ये पूरा जैविक खेत तैयार होगा, अच्छी ताकत होगी खेत की और गेहूं बोने के लिए तैयार होगा। गेहूं का उपचार हम ट्राइकोडर्मा से करेंगे जो लिक्विड ट्राइकोडर्मा है, और देखेंगे कैसा गेहूं। तो ये फ्लड सिंचाई हो रही है और इस प्रकार पानी में थोड़ी मेहनत लगती है पर उसके रिजल्ट अच्छे हैं। 1-2 साल हो सकता है कोई कम हो थोड़ी, लेकिन उसकी पूर्ति आपका भाव कर, हालांकि भाव में भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो ये था मेरा भाग दो, अब इसकी पूरी सिंचाई हो जाएगी आज और लगभग 12 दिन बाद इसमें 15 नवंबर अनुमानित समय है, तिथि है हमारी जिसमें हम इसकी बिजाई करेंगे। तो ये खेत पूरी तरह से तैयार है और इसमें हम ये आज का भाग है।